नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है इस चैनल पर। मंगलवार को एक इम्पॉर्टेंट डे आ रहा है। कौन सा डे है? मंगलवार को है विष्णुपदी संक्रांति और गंगा जयंती। गंगा जयंती को बहुत महत्व है, लेकिन उससे पहले विष्णुपदी संक्रांति के बारे में थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। विष्णुपदी संक्रांति एक बहुत अच्छा संयोग माना जाता है और इसका समय है मंगलवार को, यानी कि 14 मई को सुबह 11 बजे से शाम के 6:04 तक लगभग। तो विष्णुपदी संक्रांति में क्या किया जाता है? उस दिन गंगा सप्तमी तो है, गंगा जयंती तो है। विष्णुपदी संक्रांति में ऐसा बोला जाता है कि इस समय में किया गया स्नान दान जप का बहुत महत्व है, करोड़ों गुना होकर मिलता है, लाखों गुना होकर मिलता है। तो देखिए, जब हम थोड़ा सा पुण्य करें और हमें कामना हो कि अब ये, क्योंकि ये सब कार्य बहुत मुश्किल से किए जाते हैं, हम चाहते हैं कि इसका हमें अनंत अनंत फल मिले, तो हमें विशेष विशेष दिनों में और विशेष विशेष समय पर वो काम करने चाहिए कि जिसका फल हमें अनंत अनंत मिले। तो इस समय का, सुबह 11 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे के आसपास का जो समय है, इसका पूरा लाभ लीजिए। इसमें स्नान कीजिए, दान कीजिए, जाप कीजिए, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो। और ये जो इम्पोर्टेंट टाइम्स होते हैं ना, डेट्स होती हैं, इन पर करने से क्या है, ये भी अक्षय बन जाते हैं। खाली ऐसा नहीं है कि अक्षय तृतीया पे किया और अक्षय हो गया, बाकी साल में नहीं होगा। आपको उस समय पता होना चाहिए, आप उस समय में जब वो काम करते हैं तो उसका फल भी अक्षय ही होता है। और 14 तारीख को, मंगलवार को है गंगा जयंती। तो गंगा जयंती हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है। माँ भगवती गंगा में सभी की बहुत आस्था है। इस दिन बहुत सारे श्रद्धालु बहुत परिश्रम के साथ, तकलीफें उठाते हुए, इतनी भीड़ में गंगा स्नान के लिए जाते हैं। आप भी जा सकते हैं तो जरूर जाइए और कोशिश कीजिए। देखिए, मैंने एक चीज देखी है कि गंगा घाट पर बहुत रश होता है, हम अपने परिजनों से बिछड़ जाते हैं, हमारा सामान गुम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। आप ऐसा मत ना सोचिए कि हम उसी पर्टिकुलर घाट पर जाएंगे तभी हमारा स्नान का फल होगा। कुछ लोगों की ऐसी भी मान्यता है कि अगर हम घाट से जल लेंगे वही गंगा जल है, उसके अलावा और कहीं पर भी गंगा जल नहीं है। ऐसा नहीं है, माँ तो सब जगह सब समय सभी संतानों के लिए एक जैसी होती है। देखिए, अगर पर्टिकुलर डेज पे आप जाते, डेफिनेटली रश होता है। अगर आपको वो कंफर्टेबल नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी भी है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, पूरे हरिद्वार में आप कहीं पर भी स्नान कर लीजिए, किसी भी घाट पर, चाहे 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, कहीं पर भी आप स्नान कर लीजिए और कहीं पर भी आप दान और पूजन कर लीजिए और कहीं पर भी आप जल ले लीजिए, ठीक है। मैंने जब देखा कि कभी कभी खास मौकों पर वहां पर बहुत ज्यादा रश होता है, पांव धरने की जगह नहीं होती, बड़ी बेचैनी और घबराहट होने लगती है गर्मी में। तो जब मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, फिर मैंने अपने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने कहा माँ तो माँ है, चाहे तुम ऋषिकेश चली जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने हरिद्वार के घाट से दूर और अन्य जगहों पर जाकर स्नान करना शुरू किया और वहां से गंगा जल घर पर लाना शुरू किया, तो मैंने पाया कि वो गंगा जल भी उतना ही शुद्ध है जितना कि हम घाट से लेते हैं, उसमें भी कीड़े नहीं पड़ते हैं, बिल्कुल ठीक रहता है। तो मैंने थोड़ा सा कंफर्ट के लिए घाट से दूर जाकर स्नान करना शुरू किया, जिससे हम अपनी यात्रा को बहुत एंजॉय करते थे और सभी कामों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कर पाते थे। और घाट पर जहाँ एक बार जाने में ना हो जाती है, जाने में और आने में ना हो जाती है, वहीं हम अगर दूर जाकर नहाते थे तो हमें दिन में 2 बार 3 बार जितना मन करता था हम उतना नहाते थे। और इसी बहाने से हमें हरिद्वार के बहुत सारे मंदिरों के बारे में पता लगा, बहुत सारे बाकी के तीर्थों के बारे में पता लगा, बहुत सारी चीजों का हमें पता लगा और हमने उसका पूरा पूरा लाभ लिया। जो बहुत समय तक हम अन्य अन्य घाटों पर जाकर स्नान करते रहे, तो हमें लगा कि हमने लगभग गंगा जी के घाट पर और आसपास में जितनी भी जगहें हैं उन सबको एक्सप्लोर किया है और हर जगह दर्शन किया है, हमें बहुत अच्छा लगने लगा। उसके बाद हमने रुख किया ऋषिकेश का, उसके बाद हम सीधा ऋषिकेश जाते थे, वहां पर स्नान करना और बाकी सभी क्रियाएं करना और वहीं से जल भी लेकर आना, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और अभी हम वर्तमान में जब कभी भी जाते हैं, ऋषिकेश में जाते हैं, तो हम हर बार अलग जगह पर रुकते हैं, अलग जगह देखकर आते हैं। इससे क्या है
कि यात्रा की यात्रा हो जाती है, आपको आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है और प्रतिदिन आप हर बार आप एक नए तीर्थ का दर्शन करते हैं, वो और भी सुखकारी है। हमारा जो आगे का प्लान है वो यही है कि अभी हम ऋषिकेश अच्छे से देख लें, क्योंकि ऋषिकेश भी कुछ छोटी मोटी जगह नहीं है, बहुत ही अच्छी जगह है। वहां पर भी स्नान, एक जगह तो मैंने देखा कि गंगा जी की धारा थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल लुप्त हो जाती है, वहां पर बिल्कुल भी गंगा जल नहीं होता है। मुझे याद नहीं है, वो काफी टाइम हो गया है, किसी मंदिर के घाट के पास की ही जगह, मंदिर के पास का घाट था, काफी फेमस मंदिर था, तो वहां पर बिल्कुल सूखा था। तो हम आगे जाने लगे तो एक बाबा जी वहां पर बैठे थे, बोले कि अभी आगे मत जाओ, धारा बढ़ने वाली है। बिल्कुल सूखे हुए पत्थर थे और देखते ही देखते वहां पर धारा बहने लगी और करते 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 वहां पर घुटनों घुटनों जल हो गया। ये सब कुछ ही मिनटों के अंदर हो गया, हमें ये भी देखकर बड़ा अचरज हुआ। और फिर हमने वहीं से जल भी लिया, जहां पर बिल्कुल सूखे पत्थर थे वहीं से हमने वाटर कैन लेकर और जल लिया और हम घर आए। तो अभी हमने और ऋषिकेश में बहुत सारी चीजें देखनी है और उसके बाद हमारा विचार है कि हम कनखल में जाकर इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पर एक्सप्लोर करेंगे। सो मेरा सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने का ही विषय था कि घाट पर जाकर गर्मी और घुटन में अपना बुरा हाल मत कीजिए। माँ हर जगह है, माँ का आशीर्वाद हर जगह है, माँ का स्नेह हर जगह है और कहीं से भी आप गंगा जल ले सकते हैं। इस भ्रांति को निकाल दीजिए कि घाट से ही लेने पर आपको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होगी और घाट के ही जल में कीड़े नहीं पड़ते, ऐसा नहीं है। हर जगह से आप लीजिए, कहीं से भी लीजिए, घाट किसी भी घाट के जल से कीड़े नहीं पड़ेंगे। स्वयं मेरे गुरुजी भी ऐसा ही करते हैं और मैं भी ऐसा ही करती हूँ। और देखिए, हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं, भारत देश में रहते हैं, गंगा जी हमें बहुत इजीली अवेलेबल हैं, हम जब चाहें प्लान कर लें। आजकल तो बहुत ही चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई हैं, आने जाने के साधन हैं, ठीक है। लेकिन वो देखिए कि भारत से बाहर जो लोग रहते हैं वो तरसते हैं आने के लिए, तो हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी है कि हम नहीं जा सकते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन माँ को मत भूलिएगा। अगर मदर्स डे है ना, तो ये भी मदर डे है, ठीक है, अपनी माँ को मत भूलिएगा। और वो जो आपके घर में केनी में काफी लंबे टाइम से गंगा जल पड़ा है जिसको आपने यूज ही नहीं किया, उस जल को लाइए और नहाने के पानी में डालिए, अपने नहाने की बकेट में डालिए, घर वालों के नहाने की बकेट में डालिए, पूरे घर में गंगा जल छिड़क लीजिए, अपने मंदिर में छिड़क लीजिए। और जानते हैं कि ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को और भगवान शिव को गंगा जल का स्नान कराने का अमित अमित फल है। सो उस दिन ये भी कीजिए, बहुत उनको प्रसन्नता होगी, बहुत आपको आशीर्वाद मिलेंगे। गंगा घाट पर भी सुहाग की सामग्री आप दान कर सकते हैं, आप कपड़े दान कर सकते हैं, गरीबों को आप कुछ हेल्दी भोजन दीजिए। देखिए, वहां पर मैंने ये भी देखा है कि भिखारी लोग क्या करते हैं, वो कुछ वहां पर जो हलवाई होते हैं उनके आसपास ही होते हैं, क्योंकि दुनिया आती है वहां पर गरीबों को भोजन कराने, भंडारा कराने, हलवाई को पैसे दे दिए जाते हैं, हलवाई उनको इशारा करते हैं, सभी आ जाते हैं और वो पूरियां इत्यादि लेने के लिए लाइन में बैठ जाते हैं। लेकिन उन्हें पूरियों से मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो एक दिन में कितने खाएंगे, तो पूरियों से उनको कोई मतलब नहीं होता, उन्हें मिलने वाली दक्षिणा से मतलब होता है। और बाद में वही पूरियां जैसे ही यजमान वहां से चला जाता है वो डस्टबिन में डाल देते हैं और पैसे जो है अपनी जेब में रख लेते हैं। तो बेटर है कि आप फल या बिस्किट इत्यादि लेकर जाएं, ताकि भूख जब उनको लगे तो वो उसको निकाल कर खा लें। अदरवाइज ये 10-10 रुपए में जो पूरी छोले मिलते हैं, ये आप बिल्कुल दान मत कीजिए, घर से लेकर जाइए, गाड़ी में रख लीजिए, वहां जाकर खरीद लीजिए। लेकिन आप फल और बिस्किट इत्यादि इस प्रकार की चीजें, या अपनी समझ से आपको जो समझ में आता है, आप ये दान कीजिए। लेकिन अगर आप हरिद्वार में नहीं जा पा रहे हैं, घर में है, तो यही काम आप अपने आप को फील कीजिए कि आप वहीं पर हैं और भाव से आप अपने ही शहर में, अपने ही मंदिर में आप ये काम कीजिए कि माँ भगवती के निमित्त आप सुंदर सुंदर फल भोजन इत्यादि निकालिए और उसको मंदिर में दान कर दीजिए, ठीक है ना। और चाहो तो आप किसी सुहागिन स्त्री का सामान भी निकाल कर वहां मंदिर में दे सकते हैं। अपनी दैनिक दिनचर्या का इसको आवश्यक अंग बना लीजिए, आपके पूजा के सभी सामानों में, सभी काम में इसका नियमित रूप से आप इस्तेमाल कीजिए। और गंगा जी के ऊपर भी अनेक भक्ति ग्रंथ लिखे गए हैं, तो इसमें आप किसी भी पुस्तक को जरूर लाइए, पढ़िए, उसके महत्व को पढ़िए, कैसे उसका पूजन किया जाता है, क्या उसका महत्व है। और गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्र और गंगा जी की आरती है, तो वो सब अपने घर में भी किया कीजिए, कम से कम इस दिन तो आप अवश्य ही कीजिए।
मेरे गुरुदेव बोला करते हैं कि गृहस्थी में रहकर बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं और बहुत सारे हमसे पाप भी होते हैं। उन पापों की निवृत्ति के लिए आवश्यक है कि हमें कपल से जोड़े सहित यानी पति पत्नी को महीने में, दो महीने में नहीं तो तीन महीने में, तीन महीने में तो आवश्यक रूप से हरिद्वार जाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे पाप करते हैं। कमाने के क्षेत्र में भी देखिए, कमाई धंधा करते हैं, बहुत सारे जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। तो इस तरह के पापों की निवृत्ति साथ के साथ होती रहनी चाहिए। जब हम लंबे समय तक इस तरह के कोई भी कार्य नहीं करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल क्लींसिंग नहीं करते हैं, प्यूरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो ये जो पाप है एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी के रूप में हमारी लाइफ में फिर दिखने लगता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। सो इस चीज़ को कतई नज़रअंदाज मत कीजिए और गंगा धाम पर जाइए। नहीं जा सकते घर पर तो जरूर कीजिए, और घर पर जो दान पुण्य निकालते हैं उसे बाद में मंदिर में दे दीजिए। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए अच्छी होगी, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट लिखिएगा। नमस्कार।